हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रद्दी न्यूज रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव और मैं सपना फ्रॉम नाला सुपर है। वेरी नाइस। तो आज की शाम हमारे साथ हैं सामाजिक फिल्में अधूरी हैं जिनके बिना द वेरी टैलेंटेड अनुभव सिन्हा और बिहार का एक कौला लौंडा जिसने बॉलीवुड में गर्दा है मचाई, प्लीज वेलकम मनोज बाजपेयी। तो दोस्तों न्यूज यानी के समाचार यानी के सूचना यानी के खबर, खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है और इस खबर को खबर बनाते हैं हम, क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है। अच्छा। और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि टाल से टाल को मिलाना होता है। बस करो सर। सर इससे पहले मेरे ज्ञान चक्षु आत्महत्या कर ले, आप शो को आगे बढ़ाइए प्लीज। हाँ। शो को भी आगे बढ़ाएंगे लेकिन सबसे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। दूध वाला है नहीं सर। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? वेर आर यू दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? इधर उधर क्या देख रही हो सब? पूछो। हाँ मैं पूछती हूँ, कहाँ है दूध वाला? ऐसे पूछते हैं, दूध वाले कहाँ हो तुम? ऐसे पूछते हैं। थका दिया मुझे भी। पानी का ग्लास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो मुझे, जग दो, जग दो, जग दो मुझे, मुझे जग दो, जग दो मुझे, प्यास लगी है, मुझे जग दो, जग दो, 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 जग दो, आराम से पियो सर। मनोज जी, आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सराहते हैं आपको, आपकी फिल्में देखते हैं, तो एक प्यार भरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जी। आपको इस इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है जी, जी जी, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के अनुभव को छोड़ के आज आप यहां पर 55 साल के अनुभव के साथ आए? बताइए, बोलिए। बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए। नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ। बोलिए तो सही। नहीं बोलने को देंगे आप? कर रहे हैं आप, मुझे बोलने को देंगे आप? बोलेंगे आप? बात ही नहीं करने दे रहे मुझे। सर वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, चुप कराया जा रहा है, एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे, एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। अबे चूसल पाड़ा के चोमू। मैं आप ही की तरफ हूँ मैं। गुड। तो चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं फिर। अनुभव सिन्हा जी, हाँ जी सर, हम आपकी भी प्रशंसा करते हैं, क्या बात, लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी सारी फिल्में हमने देखी है, बहुत बड़े फैन है आपके, लेकिन आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि आपके बड़े फैन होने के साथ साथ हम आपके छोटे भाई जॉन सिन्हा के भी बहुत बड़े फैन। सर अपने अपने दिमाग का जांच करवाओ, अंदर से दिमाग मिल जाएगा पक्का। जॉन सिन्हा उनके भाई नहीं है? नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी बहन सोनाक्षी सिन्हा के भी हम बहुत बड़े फैन। अरे सोनाक्षी सिन्हा भी उनकी बहन नहीं है, अब ये मत बोल देना शत्रुघ्न सिन्हा इनके चाचा हैं। हाँ वरना उनके डोले देखे, वो लूडो खेलने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने फाड़ डालेंगे हमको। अनुभव सर वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, मस्त बॉडी वीडी बना रहे आप अभी जिम में जी, जी। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जब आप जिम खत्म करके अपने घर पे जाते हैं तो आईने में आप अपना सीना देखते हैं कि वहां भी सीना ही देखते हैं?
Yes. This is our funny side. We crack the joke. और पड़ोसी चैनल इस बात को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे इस जोक में क्या है, सीना को सीना बोला, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ये जोक नहीं है. पड़ोसी चैनल ऐसा कह रहे हैं बिकॉज दे आर जेलस. वो जलते हैं हमसे. We have cracked the joke. पूरा भारत आज हमारे साथ हंस रहा है. जी हाँ, हंस रहा है. तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सवाल कौन पूछेगा? तेरा बाप थोड़ी पूछेगा. थोड़ी पूछेगा. मैं सवाल पूछेगी ना. मनोज सर, आपने इतना राजनीति वाला पिक्चर खेला है तो मेरे को जानना था सर, ये कुर्सी के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं सर, बताइए ना. ये मैं बताऊंगा प्रूफ. मैं देखो अर्ज किया है, आप मुंह उधर कर लो, मेरा खून खोल रहा है. अर्ज किया है कि तलवार, तीर, कमान और भाला. वाह कर, तेरा कोई मर गया? वाह. तलवार, तीर, कमान और भाला. भाई इस औरत ने चैनल को लूट डाला. तलवार, तीर, कमान और भाला, इस औरत ने चैनल को लूट डाला. और मड आइलैंड में ये परमीत सेठी के साथ करती है पाला. आई क्रैक दिस डांस. एज यू कैन सी आई क्रैक दिस डांस. यस, नोरा फतेही, आई चैलेंज यू. नोरा फतेही, हिम्मत है तो सामने आओ. मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है. नोरा फतेही, आई चैलेंज. वो देखो, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं. अच्छा. जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं. हाँ. जो तेरी कमर में है उसे लचकनी चर्बी कहते हैं. ठोको. और सुनो मनोज जी, मुंबई में बैंड स्टैंड बा. हाँ. बैंड स्टैंड में पत्थर बा. हाँ. और पत्थर के पीछे लड़का लड़की का कुछ तो बा. मैं बता रहा हूँ. अरे ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और मैं देखो, मैं उन्होंने पूछा मुंबई में कहा बा, मैं बता रहा हूँ, मैं चुप नहीं बैठ सकता. मैं चुप नहीं बैठ सकता. मैं बोल के कमाता था. मैं देखो, मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगता. पर मेरा रोना निकल रहा. आज जब मेरा अपने घर में मेहमान बन के आऊ, मेरा रोना निकल जाए तो एडिट कर देना. सिद्धू जी, इस पे मैंने भी अर्ज किया है इरशाद, कि अगर कोई दिलबर मिल जाए. हाँ. तो जगह भर दे खाली सी. हाँ 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 ने जगह ले ली इस ठोको ताली की. क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ चल क्या रहा है? रहा क्या है चल यहाँ क्या? अच्छा. ओए गुरु, जितना तू बोलता है. ओए मुझे इस मौके पे एक बहुत याद आई है, पर वो बड़ी गंदी वाली. तू अपने मन से जो सोच सकता ना, बेहतर से बेहतर वो सोच रहे, मैंने तेरे को दे दी. वो तेरे शो में आया, कोई चाय पानी तो पिला यार. अरे सॉरी सर, वो दूध वाला ना थोड़ा लेट हो गया है. अभी सिग्नल पे वो यू टर्न लेगा अभी. हाँ. और अभी उसने साइकिल की घंटी भी बजाई है. ब्रेकिंग न्यूज़, दूध वाले ने अभी साइकिल की घंटी बजाई है. साइकिल की घंटी बजाई है दूध वाले ने. क्यों बजाई है ये घंटी? अनुभव जी, मनोज जी सोचिए, क्यों बजाई होगी इस दूध वाले ने साइकिल की घंटी? टर्निंग से मुड़ा होगा तो उसने जो है घंटी बजाई होगी ताकि कोई. ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात कर दी. ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं. एक बात बताइए, आप जब सवाल पूछे तो हम लोग को बोलना है कि खाली सुनना है? आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोलिए जिसपे धमाका हो. अच्छा. तो धमाका तो आप ही के पास. तो क्या लगता है सिद्धू जी आपको, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दूध वाले ने ट्रिंग 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 के घंटी क्यों बजाई? क्या इशारा कर रहा है ये? देखो, किसी के बहुत ज्यादा बड़े बच्चे. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या कानून आए ना आए, नियंत्रण हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा करने पे रोक लगनी चाहिए. ये मैं बता रहा हूं. पर्सनल अटैक ऑन मीडिया. पर्सनल अटैक. मीडिया कौन? आप. ऐसा हम मानते हैं. चलिए, पर्सनल अटैक ऑन मीडिया किया है इन्होंने, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं रहेंगे. आप बताइए, दूध वाले ने घंटी बजाई क्यों? देखो, मैं अपने
25-30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं बता सकता, 2 मिनट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। ये दूध वाले ने सामने किसी को हटाने के लिए घंटी बजाई होगी मेरे साथ। अच्छा सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल था, जब अर्चना जी ने आपको हटाया तो घंटी बजाई थी? जोक, दैट वाज अ जोक, कॉमेडी हो गई। हमारे शो पे आज कॉमेडी हुई है। ये कपिल शर्मा शो क्या कॉमेडी करेगा, कॉमेडी यहाँ हुई है। आई चैलेंज यू कपिल शर्मा, आई चैलेंज यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू। बात सुन मोहतरमा, तेरा दिमाग खराब नहीं होता इसके पास बैठ के? वो तो कान के पर्दे फाड़ देगा तेरे। देखो मनोज जी, मेरा आपसे एक छोटा सा वाजपेयी है अपना, सॉरी सवाल है। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताओ कि मुंबई का किंग कौन? अब ये मत कहना भीखू मात्रे, मेरे को करारा जवाब चाहिए। मेरे को चाहिए करारा जवाब, मेरे को करारा। तुझे क्या लगता है दुनिया में, तू ही हट हट। ये क्या फालतू की है बात आपने? देखो अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैंने अनुभव सिन्हा की फिल्म जो है तेरे मुंह पर रिलीज कर देनी है। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं मजाक नहीं कर, मैं आपका बड़ा फैन हूं, मैंने आपकी थप्पड़ देखी। हाँ। अब आप मेरा मुक्का देखो। एक न्यूज एंकर को मारा जा रहा है, एक न्यूज एंकर को जान से मारने की साजिश की गई है यहाँ पर। पता नहीं कैसी बातें करता, मैं को 2 लाइनें याद आ गई। चक्र फटे थे नपरे किली, चक्र फटे थे नपरे किली, मैंने इसकी पूरी बॉडी चेक की, मुझे गर्दन नहीं मिली। सरदार जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप कैसे कह सकते हैं, हाउ डेयर यू से? मैं मेरी बात सुनो, आप कैसे कह सकते हैं मेरी कोई फिल्म नहीं आई? अभी लास्ट मंथ मेरी फिल्म आई थी, भाऊजी गए चीन, भैया भाऊजी के संग क्वारंटीन। 12 किस सीन थे उसमें? तो जिसने तुझे किस किया वो लड़की जिंदा है? मुझे पहले ही यकीन था ये ऐसी वैसी फिल्में करता, मेरी कुर्सी इसके साथ तूने लगा के नहीं, मैं तेरा माइक उखाड़ देना ऊपर से। एक्सक्यूज मी, ऐसी वैसी फिल्मों से आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि ऐसी वैसी फिल्में क्या ऐसी वैसी होती हैं? आई सपोर्ट यू, व्हाट इज योर नेम? आप ही तो बुलाया आपने। आई फॉरगेट द नेम, सतीश कपूर, सतीश कपूर, आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट यू माय फ्रेंड। आप हौसला रखो, आप हिम्मत रखो, पैशन रखो, रखो। तुम भी इतना हंस क्या रही हो, हंसे जा रही हो? 1 सेकंड के अंदर अगर तुमने ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाई तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। अभी बनाती है, दबाया गया एक्टर को। ऐसे बनती है ब्रेकिंग न्यूज? एक्टर दबाया गया। जोश लाओ, जोश लाओ, जोश में दबाया गया एक्टर को। आवाज में जोश, आवाज में जोश ला के दबाया गया एक्टर को। तुम चिल्ला क्यों रही हो? न्यूज एंकर चिल्लाता है क्या? क्यों चिल्ला रही हो? नहीं तुम लोग करो, मुझे चिल्ला है, तुम लोग करो। कभी देखा मुझे चिल्लाते हुए? न्यूज एंकर कभी नहीं चिल्लाता, समझी? समझी कि नहीं? समझ गई, समझ गई, समझ गई, समझी कि नहीं? समझी, समझ गई रे, समझ गई। वो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कुर्सी की सीधी साइड कौन सी होती यार? ऐसे रखनी ना। हाँ जी। ऐसे तो नहीं बैठ रहा। नहीं नहीं यार, जैसा कि आप देख रहे हैं सर, एक न्यूज एंकर होना कोई आसान काम नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये हमारी 650वीं एंकर है, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, सच्चाई का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपने स्टूडियो को पागलखाने में तब्दील करना पड़े, लेकिन हम सच्चाई के साथ रहेंगे। एक एक न्यूज आपके कान तक पहुंचाते रहेंगे, हम कान में उंगली करते रहेंगे। लाइए एक और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ी हीरोइन से आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा। ये वो हीरोइन है जो हमारा फोन नहीं उठाती, इसलिए इस सेलिब्रिटी से डेलिब्रेटली मिलने के लिए हम गए हैं उनके स्टूडियो। शूटिंग लोकेशन पर हमारे संवाददाता प्रथम कुमार वहां पर मौजूद है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रथम कुमार, हेलो। जी सर। सर जरा जोर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्रथम कुमार, क्या हाल है, माहौल कैसा है वहां? जी सर, सर सुनाई मुझे अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं समझ गया सर। दोस्तों इस वक्त हम हैं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन की वैनिटी के बाहर। आज हम इस हीरोइन का पर्दाफाश करने वाले हैं, आइए आपको लेकर चलते। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 3 2 1। दोस्तों ये वही सीढ़ियां है जिससे वो हीरोइन चढ़ के अपनी वैनिटी में जाती थी। आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट वैनिटी के अंदर, आइए।
सर सर आप अंदर नहीं आ सकते, कहाँ आ रहे सर? देखा देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने मीडिया पर किया है हमला। ये सच को छुपाने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान के ऊपर खेल कर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। आइए आइए दोस्तों, जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मीडिया से छुपने के लिए यह विंडो जो है वो ऊपर बनाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज, वैनिटी वाले भी हीरोइन के साथ इस साजिश में शामिल हैं, लेकिन यह प्रथम कुमार अपनी जान पर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। हम सीधा जाएंगे वैनिटी के ऊपर, चलो मेरे साथ आप ऊपर। मैं ऊपर नहीं आऊंगा भाई, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा जो कैमरामैन है वो भी हीरोइन के साथ इस साजिश में मिला हुआ है। आओ पहले छत देख लीजिए। वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है कि यहाँ पर मैं अपनी प्री वेडिंग भी प्लान कर सकता हूँ। व्यू गया भाड़ में, हमें हीरोइन के बारे में बताओ प्रथम। जी सर, सर सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, लेकिन मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। जी सर, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हीरोइन जो है वो वैनिटी के अंदर ही है, क्योंकि हीरोइन वैनिटी के अंदर हो सकती है, वैनिटी हीरोइन के अंदर नहीं हो सकती। हाँ, अब जहां से मुझे उनकी उनकी सांसें भी सुनाई दे रही हैं। अरे वो क्या, ये हीरोइन भेस बदल कर वैनिटी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। अभी हम हीरोइन को पकड़ते हैं। एक मिनट, अर्चना जी इस मुद्दे पर आप क्यों कुछ नहीं कहती? ओए, अर्चना जी नहीं, यश कपूर जी हैं ये। बहुत बड़ा खुलासा, अर्चना जी ही है यश कपूर। प्रथम प्रथम कुमार, तुम किस अर्चना का इंटरव्यू लेने गए हो? अर्चना पूरन सिंह। अरे वो तो हमारे सामने यहाँ पर बैठी हूँ। बेवकूफ हो तुम, किसने बनाया तुम्हें रिपोर्टर? आपने रखा है सर। मैंने रखा है तो बेवकूफ हूँ मैं? ये पूरा आपका निकालते, मुझे आपकी जॉब नहीं करनी, तेल लगाने के आपका चैनल। दूसरा वाला दे। हेलो दोस्तों, नाला सुपर तेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे वैनिटी का बहुत बड़ा खुलासा और एक हीरोइन का बहुत बड़ा पर्दाफाश। आइए। ओ गुरु, ओ यार तेरे पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, तू तक तूतिया। अरे तू तक तूतिया भाई, नहीं देखा तेरे से बड़ा एंकर। एंकर पर किया गया है चुटकुला, बट इट्स नॉट लॉल, इट्स नॉट लॉल एट ऑल। बकवास करता करता है, बकवास है करता, बकवास 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 पे बकवास। देखिए मेरी, नहीं देखेंगे ये सब और नहीं देखेंगे मैं। तू बड़ा एक्टर, तू बड़ा एक्टर, तू चला इधर देवानंद करके दिखा। ओह गॉड, नो नो नो, गीला गीला देवानंद नहीं, थोड़ा सूखा सूखा। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। शाहरुख खान। ओए सच सच बता तू है कौन? मैं कह रहा हूं मैंने पुलिस बुला लेनी। पुलिस को मत बुलाना सर। कौन है तू बता? मेरी बात सुनो सर। सर मैं कोई एक्टर नहीं हूँ सर, मैं तो दूध वाला हूँ सर। ये मेरे को जबरदस्ती इधर एक्टर बनाकर ले आए सर, मैं अपनी खबर बनाने के चक्कर में सर। कौन लेके आया था? कौन लेके आया था तुझे? सर ये लेकर आए जी। नहीं नहीं ऐसे मुझे दूर पड़ता है, तू मार अभी अभी, मुझे प्यास लग गई, मुझे जग दो, मुझे जग दो, जग दो मुझे, मुझे जग दो। अरे जग दो मुझे, जग दो, जग दो। अरे ले रे तेरा जग, मुझे जग दो। दोस्तों ऐसी खबरों के चक्कर में कहीं अपनी लाइफ की खुशियां ना देना खो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।